अभी भी हमारे पास बहुत दोस्त आ रहे हैं जित, अभी भी आप देखते हैं मुल्क के हालात अच्छे तो नहीं होते मगर उसके बावजूद हमारे पास यूके से अमेरिका से स्पेन से यूरोप से और अरब कंट्री से काफ़ी दोस्त हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी अलहमदुल्ला का तो प्लॉट की प्राइस ही बढ़ गई है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है और उसका अन भी उसी तरह बढ़ जाता है और हमारे जो राइट लेफ्ट पे जो है ना ये सारी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई स्कूलों की इसमें रहीम प्रोग्राम प्रॉपर्टी इंतजाम के साथ मैं हूं आपका मेजबान काशिफ वसन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एस के रियल इस्टेट के सी ई ओ मोहम्मद सुहेल खान अरसद राज स प्रॉपर्टी के शोबों से मुंसलिक हैं उनका बड़ा पॉजिटिव है मुझे प्रॉपर्टी सेक्टर में और इतनी ख़ास बात यह है कि अपने क्लाइंट की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कराते हैं जहाँ पर कोई धोखा या फ्राड नहीं होता असल कैसे हैं आप हाँ वाले अल्लाम ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं खैरियत से अल्लाह खुशा साहब असद राशे से के शोबे से मुंसलिक हैं आपका बड़ा एक्सपीरियंस भी है प्राप्ति सेक्टर में तो अब जो मुझदा सियासी सूरत हाल चल रही है वर्षिस पाकिस्तानियों का बड़ा अहम किरदार रहा है बैकबोन की हड्डी के असगा का किरदार अदा करते हैं तो उनको क्या मश्वर देंगे किस टाइम कौन सी सोसाइटी अच्छी जा रही है जहाँ पे इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट गेन कर सकें हाँ सर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्की हालातों को भी पहले फोकस कर लेते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उसके बावजूद भी हमारे पास जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने एफ भी ने भी अगर आपने नोट किया होगा कि उन्होंने ये जो एडवांस टैक्स की सूरत में पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो कस्टमर्स के ऊपर जो लागू था वो ओवरसीज़ से उन्होंने ख़त्म कर दिया है ताकि ओवरसीज हमारे पाकिस्तान में आके जो हमारे बहन भाई दोस्त हैं जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और उनको जो एफ का जो टू लागू होता है टैक्स वो उन्हें बिल्कुल उन्होंने फ्री कर दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे पास बहुत दोस्त आ रहे हैं जित अभी भी आप देखते हैं मुल्क के हालात अच्छे तो नहीं होते मगर उसके बावजूद हमारे पास यूके से अमेरिका से स्पेन से यूरोप से और अरब कंट्री से काफ़ी दोस्त हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं सर आपका ऑफिस यहाँ पैरागॉन सिटी में लाहौर में है तो बताएँगे यहाँ पैरागॉन सिटी में क्या चल रही है इस टाइम बैंक सेलिंग क्या एवरेज चल रही है और क्या नई चीज़ें यहाँ पे अभी आ चुकी हैं सर इस वक्त हमारा करंट ब्लॉक है इम्पीरियल टू जहाँ पे अभी रिसेंटली पोजेशन मिला है और बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं बिल्डर्स ने और छोटे कैटेगरी बेसिकली ये जो चार मरला पाँच मरला की कैटेगरी ये हर वक्त फॉर रहती हैं जैसे आप गाड़ियों से रिलेटेड बात करें तो एक ब्रांड बन जाता है तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा सिस्टम है चार मरला पाँच मरला के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर कई दोस्त कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है बिल्कुल बढ़ गई हुई है तो प्लॉट की प्राइस भी बढ़ गई है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ गई है और उसका अन भी उसी तरह बढ़ जाता है ये नहीं होता कि अगर कॉस्ट बढ़ जा रही हैं और प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और दूसरा सेकेंडली एंड यूज़र्स जो हैं इस वक्त सबसे टॉप लोकेशन है लाहौर की ये आ, जस्ट टू किलोमीटर रिंग रोड एयरपोर्ट जो है वो चार किलोमीटर पे है फोट्रेस हम जस्ट लाइक ए कैंट में इस वक्त बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपने पैरागोन को ओवरऑल व्यू लिया जाए तो इसमें आपको चार मरला से ले कर चार के नाल तक के फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं और सब ब्रांड्स इसके अंदर अवेलेबल हैं वो सब अंदर आ गए और सबसे जो अचीवमेंट जो पैरागोन के अंदर आ, सबसे अच्छा जो सिस्टम हुआ था वो स्कूलिंग का था जैसे एलजीएस है लकास है रोज इस्लामी है सिटी स्कूल है और हमारे जो राइट लेफ्ट पे जो है ना ये सारी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई स्कूलों की टाइम टू टाइम जो है ना ये बढ़ता रहा आज अलहमदिल्ला इसमें नौ हज़ार दस हज़ार प्लाट्स हैं और इसमें तकरीबन सेवेंटी परसेंट जो है अलहमदिल्ला हमारी सोसाइटी के अंदर घर बन चुके हैं और रहायशी रहायश पजीर हैं बड़ा कंफर्टेबल और हमारी जो सोसाइटी पैरागुन सिटी है ये ए कैटेगरी में फॉल कर रही है लास्ट वन ईयर से तो और इसका जो स्टैंडर्ड्स है वो जस्ट लाइक ए डी सर एस के रिलेस्टेड की जो है सक्सेस ऑफ की क्या हाँ सर सबसे पहले तो लॉयल होना आप किसी भी इन्वेस्ट को अगर किसी का इन्वेस्ट करवा रहे हैं तो उस, उस समझें कि वो आपका है अगर आप अपने क्लाइंट की फेवर के लिए चलेंगे ना तो अल्लाह पाक आपके लिए भी बेहतरी कर देगा तो सबसे पहले मेरी प्योरिटी यही होती है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना उनको सिक्योर किया जाए डॉक्यूमेंटेड पैसों से रिलेटेड और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए और उनको बेनिफिट्स हो तो अलहदुल्ला अरसद रात से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ डी एच ए से मैं शिफ्ट हुआ पैरागोन सिटी में अलहदुल्लह डे फर्स्ट से मैंने यहाँ पे टू थाउजेंड एट में मैंने फ़र्स्ट घर यहाँ लॉन्च किया था इस वक्त अलहमदिल्ला वन थाउजेंड से ऊपर मैंने घर बना दिए हुए मैक्सिम कम्यूनिटी के साथ मेरा जो है रिलेशन है इस वक्त पैरागोन सिटी का जो सबसे बड़ा मॉल है हाई स्ट्रीट मॉल उसके ऊपर हम लीड कर रहे हैं बिल्कुल हमारे दिल पैरागुन का दिल है राउंड अबाउट हाई स्ट्रीट कमर्शल उसी में मेरा ऑफिस है और वहीं पे मैं आठ किनाल तेरह मरले का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ हाई स्ट्रीट मॉल के नाम से सर जो लोग आपसे राबता करना चाहते हैं जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं कैरागो सिटी के हवाले से आपको यहाँ पर प्लाट देना चाहते हैं जैसे फार्म हाउसेज़ हैं तो आपका हेल्पलाइन नंबर क्या है ट्वेंटी फोर सेवन है हाँ जी मेरा जो हेल्पलाइन है वो ट्वेंटी फोर सेवन है जो मेरा नंबर है वो है ज़ीरो थ्री टू वन फोर फाइव डबल थ्री टू सेवन सिक्स और जो मेरा दूसरा नंबर है जीरो थ्री हंड्रेड फोर फाइव डबल थ्री टू सेवन सिक्स ये दोनों नंबर जो हैं मेरे व्हाट्सएप पे और लाइन लाइन पे हैं और जो मेरे ऑफिस का एड्रेस है एस के रियल इस्टेट थर्टी थ्री हाई स्ट्रीट पैरागोन सिटी लाहौर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वालीबल टाइम हम बहुत मशहूँ है कि आपने अपने टाइम से अपना वालियोबल टाइम दिया जी तो नाजर ये थे एस के रियल स्टेट के सी ई मोहम्मद सुहेल खान इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया हमारे वर्ष पाकिस्तानियों को भी और जो नई चीज़ें यहाँ पैरागॉन सिटी में चल रही हैं उस वाले से भी उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ, ब्रीफिंग दी हमें इसी के साथ अपने हौस काशन को जवाब दीजिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें इनका प्रोफेशनल स्टाफ ट्वेंटी फोर सेवन आपकी सर्विस के लिए हाजिर खिदमत है अल्लाह हाफिज़ मॉडल स्टील आओ एक मजबूत घर बनाते हैं